छोड़ो, तुम कम बोला करो हमसे। तो हम चल रहे हमें खिला दे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। और आज सुबह सुबह हो गई है बहुत जल्दी मेरी। हमने सुबह बहुत जल्दी में नहा लिया क्योंकि हम 6 बजे से सोए ही नहीं हैं। 6 बजे बच्ची भी उठ गई थी, हम भी उठ गए थे, उसके बाद से फिर सोने का मन ही नहीं किया। और आज उसका बर्थडे भी है तो एकदम सेलिब्रेट वाला मूड है। और बाकी हम लोग आपस में छोटा मोटा करेंगे, केक वेक जो भी कट करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे हैं और बेबी को मालिश करवाना है इस टाइम पे, तो हम अभी उसको फीड कराने जा रहे हैं। फीड करवाने के बाद ही मालिश के लिए देते हैं दादी को, क्योंकि अगर उसका पेट नहीं भरा होता है फिर वो मालिश कराने के टाइम बहुत रोती है। तो और हमने देखा है सारे बच्चों को मालिश करवाना पसंद होता है, मेरी बच्ची को नहीं पसंद है, मतलब ज़्यादा नहीं पसंद है। उसके पैर में लगा दो ऑयल तो वो नहीं रोती है, लेकिन हाथ में लगाओ, पेट में लगाओ, बहुत रोती है। पता नहीं क्यों, उसका मन नहीं करता मालिश वालिश करवाने का। तो अभी जा रहे हैं हम अपने बेबी को फीड कराने और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद बेबी मालिश करवा के तुरंत सो जाएगी, रोने लगी तो सो जाएगी, तो उस टाइम और भी काम जो रहेगा, वीडियो वीडियो अपना और कुछ पढ़ाई लिखाई जो करना होगा वो करेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। नया है पता नहीं, वो पोलियो ड्रॉप के लिए तो नहीं आए हैं, पता नहीं हो सकता है। अच्छा 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 नहीं कल वही बिटिया है, ये वही है बस। ये हॉस्पिटल में हुई 2 महीने की है, आज से 2 महीने की हुई है। यहाँ पे मेरी टेबल पे रखा हुआ है, इसमें है आलू की टिक्की, एक ब्रेड और थोड़ी सी नमकीन, इतना हम खा लेते हैं। और टमाटो सॉस तो खाना ही पड़ता है। खैर रख लो तुम, सारी चीजें रख लो, सब चीजें रख लो तुम, सब रखेंगे, सब कुछ रख लो तुम। हल्लू समझ लो, हम कब भी रख ले रहे हैं। रख लो तुम, सब चीजें रख लो तुम, कब रही हो? तो सही गए, टाइम जा रही है यार, तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये हम उठा के रख लें, याद आएगी जो मेरी जान लेने के उसमें था। नहीं यार ऐसी बात, ये भी रख लें जिससे गला काटेंगे, सब चीज रख लो, गला काटेंगे अपना कटवाएंगे घर जाके। यहाँ पे अन्नू जा रही है मेरा पार्सल लेने और रास्ता बंद है, इसलिए मेरा एक फोन लेके जा रही है और हमसे ही बात करते हुए। हेलो, उठाने की जगह काट दी दीदर। हेलो, हाँ जाओ बात करती रहे ना, और कोड बताएगा पूछ लेना, ठीक है? बोलते हम अब बोल नहीं रहे हैं। अनु खुद समझदार है, क्या है अनु तुम? वाह, ये मैंने मंगाए हैं। बेबी की मालिश हो रही है, दादी कर रही है, कितना रोती, बहुत रोती है ये। ये अनु को धूप में दौड़ा दिया था, वो वाला इनका नहीं था, ये वाला शायद इनके लिए हो सकता है। अनु फाड़ दो, छोटा हो गया। कितने साल के बच्चा का मंगा रही है? क्यों छोटा हो गया, बड़ा है। बेबी को डकार दिला रही है, मम्मी दिलाती है, हमसे नहीं ले पाती वो। भैया रुके, अब 10 मिनट। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं सब लोग, और गद्दा कहाँ चला गया? तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत है, और खाना मम्मी ने बना लिया है, और रोटी इतनी गर्मी में भयंकर।
रोटी मम्मी ने बनाई है, ऐसा आपकी सासू माँ नहीं कर पाएंगी, इतना रेस्ट नहीं दे पाएंगी गारंटी। लेकिन बुरा भी लगता है, अच्छा तो ठीक है लेकिन बुरा भी लगता है, इतना प्यार करने वाले का कष्ट भी तो देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। हम खा रहे हैं चने की दाल और सब्जी, रोटी, चटनी, और ये हमारा घड़े का पानी। बेबी को मोना लेके गई है टहलाने के लिए, रो रही थी वो भी। तुम कम बोला करो हमसे, तो हम चलना तुम्हारे पैरों से चलना है। अब बेबी को नहलाने जा रही मोना और मम्मी, उसके बाद नए नए कपड़े पहनाए जाएंगे। हाँ बउआ ने नए नए कपड़े पहन लिए, धो के आई है नए नए कपड़े पहन के। अभी बेबी को कपड़े पहनाए थे और फिर उसने सुसु कर दिया, और हम लोग डायपर दिन में पहनाते नहीं है, सिर्फ रात में पहनाते। ये एक धागा है, तुम्हें नहीं लेना, मेरे ही पास है ये धागा है। अब ये धागा अगर हम तुम्हारे कान में डाल दें तो कैसा लगेगा, डाल दे आपको पतला कर दें। इधर से निकाल दे, इधर जाकर सीट रख लग रहा है धागा, कान में घुसा है, इसे पकड़ो, अंदर वाला पकड़ो, इधर वाला पकड़ो, रुकना काली, रुकना इधर वाला छोड़ दे, इधर वाला पकड़े, हाँ इधर से, इधर तुम पकड़ो, इधर पकड़े, उधर घसीटो, उधर घसीट, ये इधर से इधर है, अब उधर करो, ये मेरा हाथ उधर गया, धागा है जोर से घसीट दो उधर, जोर से क्यों घसीटा। अभी हम बेबी के नेल कट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इनके नेल्स कट नहीं हुए थे, तो इस वाले के हो चुके हैं और इसके करने हैं। अभी बेबी को हम लोगों ने रेडी कर दिया है और उसका केक कट करवाने चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या तैयारी हो रही है यहाँ पे। ओए ये आइसक्रीम वाला केक इन लोग लाए, ये उल्टा है क्या, उल्टा खोल दिए क्या, अरे ये क्या हो गया, अच्छा उसने ही उल्टा रख दिया है लग रहा है। हाँ यही केक है, अच्छा हाँ। तो ये लोग अभी केक कट करने की तैयारी कर रहे हैं, आइसक्रीम वाला केक है ये, कौन सा ये इस तरह का दिखना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह का नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, कोई बात नहीं बिट्टी, क्योंकि ये ज्यादा भी हो जाएगी, कोई बात नहीं बच्चे, ऐसे ही तो होता है। ये क्या कर रही हो, अंगूठा उठाओ, एक पिछली बार की तरह करवा ले वाले, तो बस इस बार ऐसे ही केक वेक कट हो गया है, अब हम लोग डिनर करेंगे, चलो बातें करें, और बस तो फिर ये ब्लॉग यही एंड करते हैं। डिनर में मूंग की दाल मेरी रोज वाली, क्योंकि हम मूंग की दाल ही रोज खाते हैं। बच्चा रो रहा है, ब्लॉग बनाओ, अरे
कैसे माँ हो? आ रहे आ रहे। ठीक है तो ये व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।